प्रिय मित्रों, आज हम आपको धन, समृद्धि और सफलता के लिए मां लक्ष्मी के अचूक उपायों की जानकारी देंगे। खासकर इस वीडियो में हम 30 दिन तक किए जाने वाले 7 उपायों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपके जीवन में बेशुमार पैसा आ सकता है। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो ज्योतिष और वास्तु के जरिए अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं। हर उपाय को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया गया है ताकि आप इन्हें अपने जीवन में आसानी से अपना सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और मां लक्ष्मी की कृपा पाएं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। 30 दिन तक मां लक्ष्मी के 7 उपाय बरसाएंगे, बेशुमार पैसा। कहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा जिन पर बरसती है उन्हें जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हर व्यक्ति मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए कई जतन करता है। फेंग शुई में भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए कई अचूक उपायों का जिक्र गया है। फेंग शुई के अनुसार घर की दक्षिण पूर्वी दिशा में हरी चीजों के ज्यादा इस्तेमाल से घर में धन संपदा का आगमन होता है। वास्तु के अनुसार घर की उत्तर दिशा में कुबेर देव का वास होता है, इसलिए इस जगह कुबेर देव की प्रतिमा रखना शुभ माना गया है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी उन्हीं घरों में वास करती हैं जिन घरों में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, इसलिए घर में लड़ाई झगड़ा न करें। घर में तुलसी का पौधा लगाएं। कहते हैं कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है और रोजाना पूजा पाठ करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। शास्त्रों में दान पुण्य को शुभ माना गया है। मान्यता है कि सामर्थ्य अनुसार चीजों का दान करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उन घरों में प्रवेश करती हैं जिन घरों में साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है, उन घरों में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए घर और घर के आसपास की जगहों को हमेशा साफ रखें, तिजोरी में रखें। ये चीजें शुक्रवार के दिन घर की तिजोरी में पीली कौड़ियां, चांदी का सिक्का, पीले कपड़े और थोड़ा सा केसर बांध कर रखें। तो यह थे 7 वस्तु उपाय जिन्हें कर आप मां लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं। मुझे आशा है कि अगर आप यह उपाय करते हैं तो मां लक्ष्मी आप पर कृपा अवश्य वर्षाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वास्तु वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मां लक्ष्मी।